तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर आप इस वाले सवाल को सॉल्व करोगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए सर्टेन एक्सलेशन, ठीक ना। एक पार्टिकल सीधी लाइन में जा रहा है और उसके पास कुछ एक्सलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलो पहले सीधी लाइन हम बना लेते हैं जिसमें पार्टिकल चल रहा है। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो पार्टिकल है वो एक्सलेट हो रहा था। तो अगर पार्टिकल एक्सलेट होता, अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पे ए पॉइंट पे था और यहाँ से वो एक्सलेट हो रहा था, आगे जा रहा था इधर से, और एक्सलेशन इधर था, ठीक ना। तो अचानक से वो बी पॉइंट पर आया और बी पॉइंट के बाद उसका मान लो रिटार्डेशन, यहाँ से एक्सलेशन ए हो रहा था और डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। तो यहाँ से बी पॉइंट पर आने में मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो से चला था, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी, उसके बाद रिटार्डेशन यहाँ पे आ गया क्योंकि एक्सलेट हो रहा था तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, और अचानक से यहाँ रिटार्ड हुआ तो एक्सलेशन अपनी डायरेक्शन बदल लिया। और ये एक्सलेशन और ये रिटार्डेशन मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो कहीं पे जाके पार्टिकल रुक जाएगा, यहाँ पे सी पॉइंट पे स्टॉप हो गया, ठीक है ना, क्योंकि रिटार्डेशन लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होनी ही है। तो बाई सिमेट्री तुम देख रहे हो, अगर यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इधर भी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे जाके ही रुका होगा क्योंकि जो है रिटार्डेशन सेम है। तो अगर ए से बी तक टाइम टी लगा होगा तो यहाँ से बी से सी तक भी टाइम टी ही लगा होगा, ठीक है ना। आप अगर इसे नहीं खुश हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको निकाल भी सकते हो, आपको निकालने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम ग्राफिकली समझ सकते हो तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। तो ये वेलोसिटी है, टाइम टी है, पार्टिकल एक्सलेट हुआ, यूनिफॉर्म एक्सलेशन हुआ और अचानक से कुछ हुआ, फिर सेम रिटार्डेशन हुआ। तो ये वाली जो एरिया है सिमेट्रिकली, ये एक्सलेशन है, स्लोप पॉजिटिव है, उतना ही स्लोप निगेटिव है। तो ये जितनी एरिया होगी उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। तो ये सिमेट्रिकली ये टाइम टी है तो ये भी टाइम टी लगा होगा। दिस इज़ द बी टी ग्राफ, इसका ऐसे कुछ आएगा। तो अचानक से ये सब कुछ यहाँ तक सही था, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक मैं निकाल सकता हूँ एक्स, वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूँ तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो और हाफ एक्सलेशन ए टाइम टी एक्सलेट हो रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सलेशन की जो वैल्यू या एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो ए टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगी। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। तो फाइनली पार्टिकल को वापस भी आना है, रिटर्न रिटर्न वापस आना। तो अगर रिटर्निंग में तुम देखोगे पार्टिकल जब यहाँ से वापस आ रहा है, तो जब वापस आ रहा था तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, तो एक काम करते हैं इस पूरे मोशन के लिए, हाँ, यहाँ से सी से लेके बी तक, यहाँ तक मैं एस इज इक्वल टू यू टी लगा देता हूँ। समझ में आया। तो यहाँ इस पूरे मोशन के लिए अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी लगा दूँ तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ सी टू यहाँ से ए, सी टू ए मान लो यहाँ से जो वापस आ रहा तो टाइम टी वन लगा होगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी वन प्लस हाफ ए रिटार्डेशन टी वन का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया एक्स प्लस एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई क्योंकि फाइनल यहाँ सी पे जीरो था और वही उसका फाइनल इसका इनिशियल हो गया हाफ सेम रिटार्डेशन मैग्नीट्यूड का टाइम टी वन का स्क्वायर। तो यहाँ से टू एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हाफ ए टी वन का स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ देखोगे एक्स की वैल्यू तुम पहले से ही निकाल लिए हो, यहाँ से ए टी स्क्वायर अपन टू, तो यहाँ से हाफ ए टी वन स्क्वायर, मतलब हाफ ये हाफ ये यहाँ से कट गया, मतलब उसको वापस आने में टाइम रूट टू यहाँ से टी लग गया, मतलब वापस आने में सी से ए तक आने में टाइम टी लग गया। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना टाइम लग गया उसको वापस आने में, तो टी प्लस टी वन, ठीक है ना, मतलब टी प्लस रूट टू टी, मतलब ये आ जाएगा टू टी प्लस रूट टू टी, मतलब यहाँ से आ जाएगा टी आ जाएगा और टू प्लस रूट टू यहाँ से, दिस इज द टोटल टाइम, इतने टाइम में वापस आया। अब अगर आप इस लॉजिक से देखोगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।